right now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महेंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पद्मा अवार्ड के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि 2022 के लिए जो पद्मा अवार्ड के विनर हैं उनका नाम अनाउंस कर दिया गया है। सो आज के सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किन लोगों को इस अवार्ड का विनर अनाउंस किया गया है। सो पद्मा अवार्ड के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके विनर कौन है। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे पद्मा अवार्ड के बारे में कि पद्मा अवार्ड क्या है। सो पहले एक बार जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पद्मा अवार्ड क्या है। पद्मा अवार्ड की अगर हम बात करें तो पद्मा अवार्ड इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ इंडिया। ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है इंडिया का। सो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि विच इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द इंडिया। जल्दी से कमेंट करके बताइए, तभी मैं आपको बताऊंगी आगे कि कौन सा है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया। बट तब तक पहले आप कॉमेंट करके हमें बता दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते क्या है। इट इज अनाउंस एनुअली ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। ये जो पद्मा अवार्ड है इसको हर साल एनुअली मतलब कि हर साल इसको अनाउंस किया जाता है ऑन द ईव ऑफ द रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के जो ईव मतलब उसके गणतंत्र दिवस के पहले की जो शाम होती है उस दिन इस अवार्ड को अनाउंस किया जाता है। इसके अलावा जैसा कि हमने देखा अभी पढ़ा इसको एनुअली अनाउंस किया जाता है, बट कुछ साल इसको अनाउंस नहीं किया गया था, वहाँ पर इंटरेक्शन हुआ था। और वो ईयर कौन कौन से थे, 1978, 1979 and 1993 to 1997। सो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द इंडिया कौन सा है, वो है भारत रत्न। पता होगा आप लोगों को भारत रत्न ये हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारी कंट्री का। तो भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, जिन्होंने भी भारत रत्न बताया, वेरी गुड। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज अवार्डेड इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। ह्यूमन एंडेवर यानी कि जो ह्यूमन सर्विस है उसके किसी भी फील्ड में जो भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस होती है उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इट इज ट्रीटेड ऑन डिफरेंट फूटिंग फ्रॉम पद्मा अवार्ड, इसको पद्मा अवार्ड से कुछ अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। द रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत रत्न के लिए जो रिकमेंडेशन किया जाता है ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। द रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर मतलब किसको, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसको किया जाता है, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है, वेरी गुड। The number of Bharat Ratna Award is restricted to a maximum of 3 in a particular year. एक particular year में maximum जो Bharat Ratna Award दिया जाता है ये कितना है, 3. Clear हो गया? So highest civilian award हमारी country का कौन सा है, Bharat Ratna है, ठीक है, very good। चलिए अब हम आते हैं हमारे next point पर। So अब हम वापस आते हैं हमारे पद्मा अवार्ड पर, ठीक है। भारत रत्न के बारे में हमने पढ़ लिया, हम पढ़ किसके बारे में रहे थे, पद्मा अवार्ड के बारे में। सो बैक टू द पद्मा अवार्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंस्टीट्यूटेड टू सिविलियन अवार्ड इन 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो सिविलियन अवार्ड को क्या किया था, इंस्टीट्यूट किया था, उसकी स्थापना की थी। और वो दो अवार्ड कौन कौन से थे, भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दो सिविलियन अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया, उसका नाम था भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। ये जो पद्म विभूषण है, ठीक है, द लेटर हैज थ्री क्लासेस, लेटर मतलब जो बाद का है, बाद में क्या लिखा है, पद्म विभूषण। सो ये जो पद्म विभूषण है इसको तीन नाम दिया गया बाद में, क्या क्या, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग। ये जो पद्म विभूषण है इसके तीन क्लासेस थे, कौन कौन से, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग। बाद में ये जो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग है इसको रीनेम कर दिया गया और नाम क्या रखा गया, जो पहला वर्ग है इसका नाम रखा गया पद्म विभूषण, जो दूसरा वर्ग है इसका नाम रखा गया पद्म भूषण और जो तीसरा वर्ग है इसका नाम रखा गया
पद्मश्री और ये कब नोटिफिकेशन इशू किया गया? 8 जनवरी 1955 में। क्लियर हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1954 में 2 सिविलियन अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया था। वो अवार्ड कौन कौन से थे? भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के 3 क्लासेस थे, कौन कौन सा? पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग। दिन 8 जनवरी 1955 में ये जो वर्ग थे, पहला, दूसरा और तीसरा, इसको रीनेम कर दिया गया। और क्या किया गया? पहला वर्ग का नाम दिया गया पद्म विभूषण, दूसरा वर्ग का नाम दिया गया पद्म भूषण और तीसरा वर्ग का नाम दिया गया पद्मश्री। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, ये जो अवार्ड है हमारा पद्म अवार्ड, इसको 3 कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया 3 कैटेगरी कौन कौन सी है। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री की तीनों सीक्वेंस भी है। टॉप पर कौन सा है? पद्म विभूषण, देन भूषण एंड देन श्री। विभूषण, भूषण, श्री। ठीक है, सीक्वेंस क्या है इसका? विभूषण, भूषण एंड श्री। सो इसको 3 कैटेगरी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। पद्म विभूषण किसको दिया जाता है? फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाता है। पद्म भूषण क्यों दिया जाता है? डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा देने के लिए पद्म भूषण अवार्ड दिए जाते हैं। एंड पद्मश्री इज फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, प्रतिष्ठित सेवा के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। पद्म विभूषण इज द हाईएस्ट इन द हायरार्की ऑफ पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड का जो हायरार्की है, इसका जो सीक्वेंस है, इसमें पद्म विभूषण टॉप पर है, सेकंड पर पद्म भूषण है एंड थर्ड पर पद्मश्री है। सो पद्म अवार्ड की जो 3 कैटेगरी है, इसमें टॉप पर कौन सा है? पद्म विभूषण, सेकंड पर पद्म भूषण और थर्ड पर पद्मश्री। सो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, विभूषण, भूषण, श्री। सो फर्स्ट पर पद्म विभूषण, सेकंड पर पद्म भूषण और थर्ड पर क्या है, ये आप हमें कॉमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, कि कैसे इसको सेलेक्ट किया जाता है, कि किन लोगों को हमें ये अवार्ड देना है, किनको कौन सी कैटेगरी का अवार्ड देना है। ठीक है, सो ये जो अवार्ड है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है, द अवार्ड्स आर कॉन्फर्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द पद्म अवार्ड कमिटी। ये जो अवार्ड है, ये जो कॉन्फर्ड किया जाता है, ये पद्म अवार्ड कमिटी के रिकमेंडेशन पर किया जाता है। किसके रिकमेंडेशन पर? पद्म अवार्ड कमिटी के रिकमेंडेशन पर किया जाता है, which is constituted by the Prime Minister every year, जिसको हर साल Prime Minister के द्वारा constitute किया जाता है। ये जो पद्म अवार्ड कमिटी है, इसको हर साल Prime Minister के द्वारा constitute किया जाता है, और इसी कमिटी के रिकमेंडेशन पर ये अवार्ड क्या किया जाता है? कॉन्फर किया जाता है, दिया जाता है। The awards are presented by the President of India, usually in the month of March or April every year. ये जो अवार्ड है, जिसका अनाउंसमेंट कब होता है? रिपब्लिक डे की ईव पर, यानी कि एक दिन पहले जो शाम होती है, उस दिन इसका अनाउंसमेंट किया जाता है। और ये अवार्ड दिया कब जाता है? ये अवार्ड मार्च या अप्रैल मंथ में दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हुए दोनों पॉइंट? वेरी गुड। नॉमिनेशन प्रोसेस क्या है? द नॉमिनेशन प्रोसेस इज ओपन टू द पब्लिक। ये पब्लिक के लिए ओपन है, ये जो नॉमिनेशन प्रोसेस है इसका, इट इज ओपन टू द पब्लिक। इवन सेल्फ नॉमिनेशन कैन बी मेड, यहाँ पर सेल्फ नॉमिनेशन भी किया जाता है। सेल्फ नॉमिनेशन मतलब, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ बहुत अलग काम किया है, आपको पद्म अवार्ड मिलना चाहिए, तो आप खुद को नॉमिनेट कर सकते हैं। यू आर फ्री फॉर इट। सो इवन सेल्फ नॉमिनेशन कैन बी मेड, तो अगर आपने ऐसा कुछ काम किया है, आप भी अपना नाम क्या करिए, नॉमिनेट कर सकते हैं, आप इसके लिए फ्री हैं। ठीक है, सो द नॉमिनेशन प्रोसेस इज ओपन टू द पब्लिक, इवन सेल्फ नॉमिनेशन कैन बी मेड। आई थिंक इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। वेरी गुड। अब ये जो अवार्ड दिए जाते हैं, इसके बहुत सारे फील्ड हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। सो कौन कौन से वो फील्ड है, चलिए देख लेते हैं। पहला हुआ आर्ट। अब आर्ट में आपका क्या क्या चीज आ गया, किनको दिया जाता है? आर्ट में आपका आ गया म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, सिनेमा, थिएटर, मतलब ऐसी जो भी चीजें हमारी आर्ट से, हमारी कला से रिलेटेड है, वो हमारा आर्ट कैटेगरी में आ गया। सोशल वर्क, मतलब सोशल के लिए अगर हम कुछ सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ सोशल के बेनिफिट में, हमारे समाज के हित में हम कुछ काम कर रहे हैं, तो वो हमारा सोशल वर्क में आ गया। लाइक सोशल सर्विस, चैरिटेबल सर्विस, कॉन्ट्रीब्यूशन इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट, इस टाइप की जो भी चीजें होती हैं, वो सोशल वर्क में आ गया। ठीक है, पब्लिक अफेयर, पब्लिक अफेयर में आपका लॉ, पब्लिक लाइफ, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें आ गई। साइंस एंड इंजीनियरिंग, आपका जो साइंस से रिलेटेड है, लाइक स्पेस इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस एंड इट्स एलाइड सब्जेक्ट्स। तो जो आपका साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, यानी कि जो आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग में आ गया।
इसके बाद नेक्स्ट जो फील्ड है वो है ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ट्रेड एंड इंडस्ट्री मतलब रिलेटेड टू बिजनेस, व्यापार है ना। सो यहाँ पर आपका क्या आ गया, बैंकिंग की फील्ड में इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मैनेजमेंट, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, बिजनेस, ठीक है, जहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह हो रही है। सो वो किस फील्ड में आ गया, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में। इसके बाद कौन सा फील्ड है, मेडिसिन। मेडिसिन में आपका मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी फील्ड हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, कोई भी हो। सो इट इंक्लूड्स मेडिकल रिसर्च, डिस्टिंक्शन एंड स्पेशलाइजेशन इन आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, एलोपैथी, नेचुरोपैथी एक्सेट्रा। इसके बाद लिटरेचर एंड एजुकेशन, जो हमारे लिटरेचर और हमारे एजुकेशन से रिलेटेड जो लाइक जर्नलिज्म हो गया, टीचिंग हो गया, बुक कंपोजिंग, लिटरेचर, पोएट्री, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन रिफॉर्म्स, यानी कि जो हमारे साहित्य और शिक्षा से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है सिविल सर्विस, वेल नोन सिविल सर्विस। इट इंक्लूड्स डिस्टिंक्शन, एक्सीलेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स। नेक्स्ट इज स्पोर्ट कैटेगरी में भी दिया जाता है। इसमें आपके स्पोर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हो गई, लाइक पॉपुलर स्पोर्ट हो गया, एथलेटिक्स हो गए, एडवेंचर, माउंटेनियरिंग, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट, योगा, ये सारी चीजें आपकी किस फील्ड में आती है, स्पोर्ट फील्ड में आती है। इसके अलावा लास्ट हमारी जो फील्ड होती है वो होती है अदर्स। अदर्स मतलब जो भी बच गए फील्ड, जितने नाम अभी हमने लिए, इसके अलावा अगर कोई फील्ड बच गया तो वो अदर की कैटेगरी में आएगा, लाइक इंडियन प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मतलब जिनका नाम अभी तक मेंशन नहीं किया, जो बच गए वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, अदर कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी फील्ड में अवार्ड किस कैटेगरी में दिया जाता है। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं 2022 की, इस बार कितने अवार्ड दिए गए हैं, किसको दिए गए हैं, कौन से कैटेगरी में कितना अवार्ड दिया गया है, ठीक है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस बार जो पद्म अवार्ड दिए गए हैं वो है 128 पद्म अवार्ड। कितने, 128 पद्म अवार्ड दिए गए हैं। सो यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 2021 में कितने पद्म अवार्ड दिए गए थे और किस कैटेगरी में कितने दिए गए थे, लाइक पद्म विभूषण कितने दिए गए थे, पद्म भूषण कितने थे और पद्मश्री कितने थे, और टोटल कितने पद्म अवार्ड 2021 में दिए गए थे, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, जो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सो इस बार 2022 में जो पद्म अवार्ड दिया गया है वो कितना है, ये 128 है, जिसमें से 4 आपके पद्म विभूषण अवार्ड है, 70 पद्म भूषण है एंड 107 पद्मश्री अवार्ड है। सो 4 पद्म विभूषण, 70 पद्म भूषण एंड 107 पद्मश्री अवार्ड, याद रखिएगा। टोटल 128 पद्म अवार्ड, 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण एंड 107 पद्मश्री अवार्ड है। इसमें से 34 अवार्ड जो है वो है वीमेन। सो कितनी महिलाएं हैं इस 128 में से, 34 अवार्ड वीमेन है, 10% ये फॉरेनर, एनआरआई, पीआईयू, ओसीआई की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 13 पोस्ट्यूमस अवार्ड हैं। पोस्ट्यूमस अवार्ड मतलब जिनको मरणोपरांत अवार्ड दिया जाता है, उसको पोस्ट्यूमस बोलते हैं। सो 13 इसमें पोस्ट्यूमस अवार्ड हैं, 10 आपके फॉरेनर, एनआरआई वगैरह हो गए, और 34 इसमें वीमेन अवार्ड हैं। क्लियर हो गया, टोटल कितने पद्म अवार्ड है, 128, 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 107 पद्मश्री अवार्ड टोटल अनाउंस किए गए हैं। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो नेम्स हैं कि किसको कौन से अवार्ड दिए गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह, सीरियस जनरल बिपिन रावत, इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है, विच इज कंट्रीज सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और इनको ये अवार्ड पोस्टम्यूसली दिया गया है। पोस्टम्यूसली का मतलब, इनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। सो किसको दिया गया है, पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है कल्याण सिंह और सीरियस जनरल बिपिन रावत जी को। इसके बाद जो पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है ये और किसको दिया गया है, कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को, ठीक है। पोस्टम्यूसली जो पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है वो कल्याण सिंह जी और सीरियस जनरल बिपिन रावत जी को दिया गया है। इसके अलावा जो पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है ये कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद को दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को दिया गया है। नेक्स्ट द डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल बिहाइंड इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन हैव आल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर डिस्टिंक्टिव सर्विस टू द नेशन। जो इंडिजिनसली कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन के पीछे जो डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल्स हैं उनको नेशन के लिए उनके डिस्टिंक्टिव सर्विस के लिए इनको भी क्या किया गया है, अवार्ड दिया गया है। और इस कैटेगरी में किसको अवार्ड दिया गया है,
पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर साइरस पूनावाला इनको पद्मभूषण अवार्ड दिया गया है। सो यहाँ पर पद्मभूषण अवार्ड और किसको दिया गया है? साइरस पूनावाला को दिया गया है, जो कि पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर है। भारत बायोटेक के चेयरमैन कृष्णा एल्ला और उसकी को फाउंडर सुचित्रा एल्ला को ज्वाइंटली क्या किया गया है? पद्मभूषण अवार्ड दिया गया है। सो यहाँ पर पद्मभूषण अवार्ड और किसको दिया गया है? भारत बायोटेक चेयरमैन कृष्णा एल्ला एंड को फाउंडर सुचित्रा एल्ला को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? पद्मभूषण अवार्ड। क्लियर हो गया यहाँ तक? वेरी गुड। इसके बाद अब हम देखते हैं फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य जो कि फॉर्मर वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है, इनको भी पद्मभूषण अवार्ड दिया गया है। लीड पंजाबी फोक सिंगर गुरमीत बावा, इनको पोस्टम्यूसली अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कौन सा? पद्मभूषण अवार्ड दिया गया है। लीड पंजाबी फोक सिंगर गुरमीत बावा को भी पद्मभूषण अवार्ड दिया गया है। एक्टर विक्टर बनर्जी एंड फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी राजीव महसी, इनको भी कौन सा अवार्ड दिया गया है? पद्मभूषण अवार्ड दिया गया है। प्लेबैक सिंगर सोनू निगम का भी नाम इसमें आया है और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। सो प्लेबैक सिंगर सोनू निगम, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। लेट पंजाबी फोक सिंगर गुरमीत बावा, एक्टर विक्टर बनर्जी एंड यूनियन फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी राजीव महसी, इनको पद्मभूषण अवार्ड दिया गया है। चलिए इसके बाद अब हम स्पोर्ट कैटेगरी की अगर बात करें, किसकी बात करें? स्पोर्ट कैटेगरी की, तो टोटल 6 स्पोर्ट पर्सन को पद्म अवार्ड दिया गया है इस साल। कितने स्पोर्ट पर्सन को? 6 स्पोर्ट पर्सन को इस साल पद्म अवार्ड दिया गया है। और वो 6 नाम कौन कौन से हैं? पैरालिंपियन देवेंद्र झाझरिया इज वन ऑफ द 17 इंडिविजुअल हु विल बी कॉन्फ्रेड विद द पद्मभूषण। जो 17 लोगों को पद्मभूषण अवार्ड दिया जा रहा है उसमें से एक नाम किसका है? देवेंद्र झाझरिया का है। पैरालिंपियन सुमित अंजिल, अग्नि लेलिना एंड प्रमोद भगत, हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया, इनको कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है? पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। सो पैरालिंपियन सुमित अंजिल, अग्नि लेलिना, प्रमोद भगत एंड हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। साथ ही टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, इनको भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को भी पद्मश्री अवार्ड के लिए क्या किया गया है? विनर अनाउंस किया गया है। सो टोटल 6 स्पोर्ट पर्सन को इस बार पद्म अवार्ड दिया गया है। कौन कौन है? देवेंद्र झाझरिया, सुमित अंजिल, अग्नि लेखरा, प्रमोद भगत, वंदना कटारिया एंड नीरज चोपड़ा। चलिए अब यहाँ पर मैं बात करें स्टेट वाइज, कौन से स्टेट को कितना अवार्ड दिया गया है। स्टेट वाइज अगर मैं बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश has been at the forefront of prize distribution this time with 13 अवार्ड। यूपी को टोटल 13 अवार्ड दिए गए हैं, मतलब इस बार जो सबसे ज्यादा पद्म अवार्ड जिस स्टेट को मिला है वो किसको मिला है? यूपी को, उत्तर प्रदेश को मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट को इस बार सबसे ज्यादा पद्म अवार्ड दिया गया है, तो वो कौन सा है? यूपी है, और यूपी को टोटल 13 अवार्ड दिए गए हैं। सेकेंड पर जो स्टेट है उसका नाम है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र को टोटल 10 अवार्ड दिए गए हैं। कितने? 10 अवार्ड। थर्ड पर आपका गुजरात और तमिलनाडु दोनों हैं, क्योंकि गुजरात को भी 7 अवार्ड दिए गए हैं और तमिलनाडु को भी 7 अवार्ड दिए गए हैं। इसके बाद वेस्ट बंगाल को 6, ओडिशा को 6, दिल्ली को 5, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, इनको 5 अवार्ड दिए गए हैं। गोवा, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, इनको 2 अवार्ड दिए गए हैं। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इनको 1 अवार्ड मिले हैं। उत्तराखंड, केरला, पंजाब, तेलंगाना, इनको 4 अवार्ड मिले हैं। और आंध्र प्रदेश एंड मणिपुर को 3 अवार्ड मिले हैं। सो अगर हम स्टेट वाला देखते हैं तो सबसे ज्यादा किसको मिला है? यूपी को, उसके बाद महाराष्ट्र को एंड देन गुजरात एंड तमिलनाडु को। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम पूरी लिस्ट देख लेते हैं, जितनी लिस्ट है पूरी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। यहाँ पर पूरे 128 नाम को डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे, बट कुछ नाम को हम देख लेते हैं। लाइक पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण में 4 लोगों को दिया गया है। तो पहला नाम क्या है? प्रभा अत्रे, इनको किस फील्ड में दिया गया है? आर्ट की फील्ड में, और ये किस स्टेट से बिलोंग है? अब बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र। सो प्रभा अत्रे आर्ट महाराष्ट्र, देखिए कितना एक ही सेंटेंस में लग रहा है, अत्रे आर्ट महाराष्ट्र, आत्रा इसमें भी आ गया ना, महाराष्ट्र आष्ट्र। सो अत्रे आर्ट महाराष्ट्र, प्रभा अत्रे फील्ड आर्ट स्टेट महाराष्ट्र। इसके बाद बाकी जो 3 अवार्ड है ये पोस्ट्यूमस है, यानी कि मरण पर दिया गया है। किसको दिया गया है? श्री राधेश्याम खेमका, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन स्टेट यूपी है।
सीडीएस जनरल बिपिन रावत इनको सिविल सर्विस की किरण में दिया गया है। इनका क्या है स्टेट उत्तराखंड। एंड सी कल्याण सिंह इनको पब्लिक अफेयर की किरण में दिया गया है और ये यूपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये कितने अवार्ड हो गए हमारे, चार अवार्ड हो गए। कौन से पद्म विभूषण। इसके बाद पद्म भूषण के 17 लिए गए हैं। कुछ नाम है यहाँ पर, श्री गुलाम नबी आजाद पब्लिक अफेयर जम्मू कश्मीर, इनको पब्लिक अफेयर की किरण दिया गया है। स्टेट यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है और नाम क्या है इनका, गुलाम नबी आजाद। विक्टर बनर्जी इनको आर्ट की किरण दिया गया है। स्टेट वेस्ट बंगाल, यहाँ पर गुरमीत बाबा को आर्ट की फील्ड में दिया गया है, पंजाब से बिलोंग करती है। श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को पब्लिक अफेयर की फील्ड में दिया गया है और ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। बाकी अदर कंप्लीट लिस्ट है 17 जो हमारे पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं। इसके बाद पद्मश्री, जो टोटल 107 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं, इसकी भी कंप्लीट लिस्ट है। ये आपको पूरी लिस्ट पीडीएफ में मिल जाएगी। कुछ नाम हम डिस्कस कर लेते हैं पद्मश्री की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्री प्रहलाद राय अग्रवाल, इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड में दिया गया है। प्रोफेसर नजमा अख्तर, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में दिया गया है। सुमित अंजलि, अगर मैंने आपको बताया था, स्पोर्ट की फील्ड में, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। टी शंका आओ, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में दिया गया है। एंड यहाँ पर हम देखें सुपर्णा अय्यप्पन, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में दिया गया है। कमालिनी अस्थाना एंड नंदनी अस्थाना, इनको आर्ट की फील्ड में दिया गया है। ये डुओ कैटेगरी में है, सो जो डुओ में है कैटेगरी में उसको सिंगल अवार्ड भी कंसीडर किया जाएगा। जेके बजाज, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में दिया गया है और स्टेट इनका यूनियन टेरिटरी का क्या है, जेडीए है। सो इस तरह से कंप्लीट जो पद्मश्री अवार्ड 107 लोगों को मिले हैं वो कंप्लीट लिस्ट है। यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल कितने हो गए, यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग से लेकर 40, यहाँ पर 50 हो गया, 1062 हो गया, 71, 83, 93, 105, 114, 126 एंड हियर इट इज 128। सो टोटल हमारे जो पद्म अवार्ड दिए गए हैं 128 लोगों को, कंप्लीट लिस्ट यहां पर आपके सामने प्रेजेंट है। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो जो मेन नाम है वो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है, उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डुओ फेस अवार्ड को सिंगल अवार्ड काउंट किया जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पूरा पद्म अवार्ड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, उसकी हिस्ट्री क्या थी, पद्म अवार्ड क्या है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, इस बार किसको दिया गया, किस फील्ड में किसको दिया जाता है, सिलेक्शन कैसे होता है, नॉमिनेशन कैसे होता है, सारी चीजें बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर ली है। आई होप सो कि आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अलावा कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन बाय बाय, स्टे केयर, थैंक यू सो मच। Like right now, I'm at Preston. I like it. Never miss an update.